बाहर से मतलब यहाँ पर आए मतलब अलग ही एक फील आया। सो अब ये चेक करो, अभी वो रहा टॉय ट्रेन उस साइड पे। सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू आवर माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल गया कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक में होने वाला है। सो हाँ, वी आर गोइंग ए वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क ऑफ कोलकाता। सो प्लान हुआ था, मतलब मैं पिछले कुछ दिनों से अपना कंटेंट ढूंढने में बिजी था, देन इस कॉल किया यूट्यूब वीडियो। सो सबसे पहले मेरे को मतलब अच्छा पार्क दिखा, तो वही एक पार्क दिखा मेरे को। सो कौन सा पार्क मैं आपको बताता हूँ, वह इको पार्क। सो अभी जाएंगे वहाँ पर। सो प्लान हुआ था परसों, फिर वी आर रिजर्व ए कार, देन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सो अभी चलते हैं, 7 बजे का तो निकलने का प्लान था। सो बहुत देर हो चुकी है, पता है ना, कोई भी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं जाता, ट्रेन और प्लेन ही सिर्फ एग्जैक्ट टाइम पे छोड़ती है और कोई नहीं। सो कोई नहीं, जाएंगे। फुल वीडियो देखना, स्किप मत करना। दरअसल अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सो मिलते हैं वहाँ पर जाके, नहीं एक ही बार में कार में जाके फिर मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वी आर इन्जॉइंग वेल। सो चलो चलो, सो एक ही बार में वीडियो कार से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इन्जॉय करना वीडियो को, ठीक है ना। फाइनली मतलब गाड़ी में चढ़ चुके हैं और अभी जा रहे हैं अभी। तो देखिए आज मेरे साथ कौन कौन है, आज बहुत ज़्यादा देखिए पीछे सब लोग हैं। मतलब यहाँ से वहाँ तक हमको मतलब 2 घंटा लग जाएगा ना, 2 घंटा हमको लग जाएगा वहाँ पर मतलब जाने के लिए, क्योंकि मतलब घर पे निकलने का टाइम था 7 बजे, आपको मैंने बताया दिया था बस में। तो हम वहाँ पर निकले 8 बजे निकले, तो अभी देखते हैं कितना वक्त लगता है, आपको भी दिखाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आप तक बाहर का व्यू एंजॉय कीजिए। पर मतलब गाड़ी का गैस खत्म हो चुका है, गैस भरवाएंगे फिर चलेंगे हम यहाँ से। गाड़ी का गैस भरवा रहे हैं अभी, अभी तक की बहुत देर है, अभी तक भी नहीं पहुँचे हम, बहुत टाइम लगेगा अभी भी। मतलब बहुत दिक्कत हो चुकी है हमको घर से, मतलब जान के आना चाहिए था। मैंने सोचा, मैं जब पिछली बार जब आया था तब मैंने देखा था 11:30 बजे इसका ओपनिंग टाइम है, 11:30 बजे से 7 बजे तक। और अभी मतलब हमको फिलहाल अभी 11 बज चुका है, अभी हमको 1 घंटा और मतलब वेट करना पड़ेगा। मतलब अभी कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं पार्किंग में भी कोई भी नहीं है, कि हमारी गाड़ी और एक बार गाड़ी खड़ी हुई है। देखिए आप पीछे देखिए, मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ बोलने में भी, और पीछे देखिए, आप पीछे देख सकते हैं पूरा खाली खाली है। और आज धूप सही है, मतलब पिछले दिन की तरह आज धूप मतलब सही है। अभी पार्क नहीं खुला है, अभी भी 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर हम जाके टिकट वगैरह कटवाएंगे, फिर अंदर एंट्री ले। सब लोग यहाँ पर, सब लोग का मूड ऑफ है यहाँ पर, चलो वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं अभी। सो फाइनली पार्क खुल चुका है, सो अभी हम जा रहे हैं टिकट वगैरह कटवाने के लिए। आठ आठ
टिकट वगैरह सब कटवा लिया है, मतलब पर पर्सन 30 रुपीज़ लिया है। तो हमने 8 टिकट करवाया है, हमको पड़ा है 230 रुपये पड़ा है। तो ये रहा हमारा टिकट, ये रहा 30 रुपये करके पर पर्सन लिया है 30 रुपीज़। तो अभी जा रहे हैं 4 नंबर गेट से, हम एंट्री करेंगे यहाँ से, मतलब 3-4 घंटे बाद अभी एंट्री मतलब हमने ले लिया पार्क में। हुआ क्या, मतलब 4 नंबर पे गए थे, 3 नंबर से टिकट करवाया था, 4 नंबर पे गए, एंट्री नहीं करने दिया क्योंकि कह रहे थे कि 3 नंबर से टिकट कटवाया है, यहाँ से एंट्री नहीं होगा। फिर हम मतलब 4 नंबर से 3 नंबर तक हमारे जो मतलब कोलकाता में जो रहते हैं ऑलमोस्ट हाफ जन इको पार्क में आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूँ, तो जो मतलब कोलकाता से देख रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत करना क्योंकि भाई ये हम कर रहे हैं, मतलब जो जो बाहर से वाला वीडियो देख रहे हैं मैं, हम उनके लिए बना रहे हैं वाला वीडियो। तो मेरे को पता है कि तुम सब आ चुके हो, और हाँ तुम सब आओ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये चेक करो, अभी ये वाला देखिए, यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी है यहाँ पर। वो रहा टॉय ट्रेन उस साइड पे, सो अभी फिलहाल बंद है, अभी सब कुछ अभी जस्ट खुला है, ओपन हुआ है, अभी सब बंद है यहाँ पर। सो अभी यहाँ पर फोटोशूट वगैरह होगा सब कुछ, मैंने भी मेरा फोटोशूट वगैरह कर लिया है, अभी ये लोग कर रहे हैं। अभी मैंने जो सुना है यहाँ पर मतलब बहुत बड़ा एरिया है, मैंने सबको पहले कहा था वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क ऑफ कोलकाता, मतलब बहुत बड़ा है ये एरिया, आप ये कह सकते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना बड़ा है, आप 3-4 दिन घूमेंगे तब भी ये ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा एरिया है। जस्ट ये वह चेक कीजिए आप, बाहर से मतलब यहाँ पर आए मतलब अलग ही एक फील आया यहाँ पर थोड़ा सा घुस के। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर छोटे छोटे जो प्लेस हैं, यहाँ इसके अंदर छोटा सा प्लेस है, उसके अंदर आपको लगेगा 30 रुपीज़ पर पर्सन, और आप अगर साइकिलिंग करना चाहते हैं वो आपको पड़ेगा 150, और अगर आप बोटिंग करेंगे वो भी आपको 150 पड़ेगा। अगर आप प्लेस में विजिट करना चाहते हैं आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ पड़ेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई आ रहा है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ।